एक ऐसा आदमी जो नॉर्मल अपना लाइफ जी रहा था फैमिली के साथ, 80,000 पर मंथ का सैलरी था, पर अचानक से ट्रेडिंग में उनको 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होता है और उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनको सुसाइडल थॉट आने लगा, और वो क्या क्या गलती की है जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा? तो ये सेम गलती हम लोग रिपीट ना करें, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रत्यय प्रकाश है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जो नॉर्मली 2 महीना पहले बहुत अच्छा लाइफ जी रहा था, पर 2 महीने के बाद अचानक से उनके लाइफ में क्या चेंजेस हुआ जिसकी वजह से आज वो दुनिया से चले गए। इस कहानी का शुरुआत होता है, मेरे भैया जिस कंपनी में काम करते थे उनमें एक कलीग था जो नॉर्मली 80,000 के सैलरी में अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा था अपने फैमिली के साथ। अब वो 4-5 साल से अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे थे छोटे छोटे कैपिटल से। लगभग उनका कैपिटल 2 से 3 लाख रुपया था जो नॉर्मली वो डेली यूज़ करते थे ट्रेडिंग में। अब 2 महीना पहले अचानक से क्या हुआ कि वो कोई हीरो जीरो ट्रेड लिए होंगे या फिर कोई ऐसा बड़ा ट्रेड पकड़े होंगे जिनकी वजह से उनका लगभग छोटा कैपिटल से 1.3 करोड़ का प्रॉफिट होता है। अब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रेडिंग में 1.3 करोड़ का प्रॉफिट होना मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेडिंग अच्छे से सीख लिया हूँ, मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो मैं जॉब क्विट करता हूँ। 80,000 का जो जॉब था उन्होंने क्विट किया और वो प्रॉपर सेटअप बनाने लगे अपने घर पे जाके, और पूरा सेटअप तैयार किया अपना 4-5 स्क्रीन लगा के, और पूरे फैमिली और गांव में हल्ला कर दिया कि मुझे ट्रेडिंग से 1.3 करोड़ का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर उन्होंने 2 गलती किया, पहला जॉब छोड़ दिया और दूसरा सारे लोगों को ये हल्ला कर दिया कि मुझे 1.3 करोड़ का या फिर 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब उन्होंने सारा सेटअप तैयार कर लिया, अब वो ट्रेड करना जब स्टार्ट किए तो देखो क्या हुआ ना, पहले वो 2 से 3 लाख या 4 लाख से ट्रेडिंग करते थे, अचानक से उनका कैपिटल 10 गुना हो गया, 50 लाख 60 लाख से ट्रेड करने लगे। तो किसी पर्सन को, मान लो आप खुद हो, आप अभी 10,000 से ट्रेडिंग करते हो, आपको अगर 2 लाख रुपये या 10 लाख रुपये दे दिया जाए तो आप ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो सेम प्रॉब्लम उनके साथ हुआ, वो 5 लाख से ट्रेडिंग करते थे, अचानक से उनके पास 50 लाख का कैपिटल आ गया। तो प्रॉफिट लॉस का जो फ्लक्चुएशन होता है किसी भी ट्रेड में, उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में वो 1.5 करोड़ का कैपिटल पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। अब यहाँ पर वो जॉब को भी क्विट कर दिए थे, बेटर ऑप्शन ये था कि वापस वो कंपनी ज्वाइन करे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरे लोगों से लोन लेंगे और वापस वो पूरा कैपिटल को रिकवर करेंगे। पूरे गांव से वो पैसा मांग लिए कि मुझे कुछ अमाउंट पैसा चाहिए इतने ब्याज पे, वो कुछ इंटरेस्ट पे वो 1-2 महीने में लौटा देंगे। तो उन्होंने उस तरीके से पूरे मोहल्ला से लगभग 40 से 50 लाख का कैपिटल फिर से कलेक्ट कर लिया। अब कभी भी आप सोचोगे तो लोन लेके ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। अगर आप कभी किए होगे किसी 2 से 10,000 रुपये कैपिटल लेके ट्रेड करते होगे तो माइंड में यही रहता होगा कि यार उसका पैसा है तो प्रॉफिट तो करना ही है, अगर लॉस करेंगे तो उसको रिकवर भी करना है क्योंकि ये हमारा कैपिटल नहीं है, किसी दूसरे का कैपिटल है, और अगर उसका कैपिटल लॉस कर दिए तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। सेम चीज़ उनके साथ भी हुआ, वो 50 लाख कैपिटल तो इकट्ठा कर लिए लोन लेके, पर वो सेम गलती वापस रिपीट किए, ट्रेड को सही तरीके से मैनेज नहीं किए। यहाँ पर पता है क्या हुआ, उनको एक्सपीरियंस 4-5 साल का था पर उनका कैपिटल अचानक से 10 गुना इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से वो ट्रेड को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए। सबसे बड़ा मिस्टेक ये किए वो, और होना क्या था, 2 हफ्ता पहले जितना भी 40-50 लाख का कैपिटल था वो फिर से ख़त्म हो गया। अब सारा कैपिटल ख़त्म होने के बाद जब लोगों को पता चला तो वो सारा अपना पैसा वापस मांगने के लिए चले गए। अब इनके पास कैपिटल था नहीं, कुछ पैसा था नहीं देने का, तो इनके पास बस लास्ट ऑप्शन ये बचा, क्योंकि पिछले 2 महीने में 2 करोड़ से ज़्यादा लॉस कर चुके थे, कितना ज़्यादा प्रेशर होगा इनके पास। तो ये गलती हमें कभी नहीं करना है, और उनके पास लास्ट ऑप्शन बचा सुसाइड करने का। उनका 7 से 8 साल का एक छोटा बच्चा था, उनका फैमिली पे क्या गुजरा होगा वो चीज़, इसलिए ट्रेडिंग करना है तो रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी है इसमें। अचानक से प्लीज़ कभी भी कैपिटल इंक्रीज मत करना। अगर आप किसी ने भी किया होगा ना तो उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ सच में अगर अचानक से 10,000 से 1 लाख का कैपिटल कर लेते हैं तो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। किसी ने किया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ। इसलिए मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो मैं कैपिटल को बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। कभी 2 महीना पहले मैं 10,000 से ट्रेडिंग करता था, तो अभी मैं 20-25,000-30,000 से ट्रेडिंग करता हूँ। उससे ज़्यादा मैं कैपिटल यूज़ ही नहीं करता हूँ क्योंकि ये चीज़ पता है मुझे कि अचानक से जब कैपिटल इंक्रीज़ होगा मैं ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाऊँगा। प्रॉफिट ज़्यादा होने का चांस है लेकिन उसी तरीके से लॉस होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ ट्रेडिंग कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के करना है, और
जो लोग आपके फैमिली में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको एक रियलाइज़ हो कि हाँ ट्रेडिंग फुल टाइम कैरियर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हाँ मुझे इस पर डिपेंडेंट रहना है। तो एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ही रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जॉब क्विट नहीं करते, 80,000 का सैलरी आते रहता, फिर भी उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता और वो शायद सुसाइड वाला कदम उठाने पर रुक जाते। पर क्या ही करें, हमें बस इस चीज़ से यही सीखने को मिलता है कि ट्रेडिंग में लालच नहीं करना है, जितना हमें मिलता है उतना एक्सेप्ट करना है, और जितना हमें लॉस देना है उतना भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ इतना लॉस हो गया आज, उसके बाद ट्रेडिंग बंद करना है, क्योंकि ट्रेडिंग जितना अच्छा चीज़ है उतना ख़राब चीज़ भी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि ट्रेडिंग में एक्चुअली होता क्या है। थैंक यू सो मच।